हाय गाइस, तो आज मैं आपको बहुत ही फ्रेश और बहुत ही पका हुआ फ्रूट दिखाऊंगी। नाशपाती देख सकते हो कि नाशपाती का पेड़ है, इस पर ये लगी हुई है नाशपाती। देखिए आप इस तरीके से इस पेड़ पर लगी हुई है, पूरा पेड़ भर चुका है। और गाइस जो पकी हुई नाशपाती है आप देख सकते हो कि इस तरीके से नीचे गिर चुकी है। आप देखिए पेड़ के नीचे बहुत सारी पकी हुई नाशपाती पड़ी है। बहुत मीठी है खाने में और बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो आप देख सकते हो कि नाशपाती पक पक के किस तरीके से नीचे गिरी पड़ी है। देखिए इस तरीके से पकी हुई नाशपाती नीचे गिर चुकी है पेड़ पे से। और इसके बराबर में एक आम का पेड़ है, देख सकते हो आम पर भी आम पक चुके हैं। ये रहे आम, देखिए मेरे हाथ में ही आ गए एकदम से। चलो, और ये आम है और ये नाशपाती है पकी हुई। आप देख सकते हैं कि सारी पकी हुई नाशपाती है और ये नाशपाती का पेड़ है और ये मेरे पास पका हुआ आम है। बहुत फ्रेश फ्रूट है, इनको गर्मियों के सीजन में ही खाया जाता है। आप देख सकते हो कि सारी पकी हुई है और ये पका हुआ मेरे हाथ में आम है। ये आम के बाग में ही नाशपाती के बहुत सारे पेड़ हैं। इसके पीछे वो चीकू का पेड़ है, आप देख सकते हो कि चीकू के पेड़ ऐसे होते हैं। देखिए ये सब चीकू के पेड़ है और ये आम है। आप जान चुके होंगे कि जुलाई का लास्ट है, स्टार्टिंग है सॉरी, तो आमों का सीजन अब जाने वाला ही है। तो देख सकते हो कि पेड़ पे आम लगे हुए हैं, पके हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसे आम होते हैं, ये उत्तर प्रदेश के आम है, यूपी के। और हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताते रहा करो, लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो।